हेलो पोके फ्रेंड्स। तो गाइस, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि यार जो हमारे पोकेमॉन होते हैं पोकेमॉन एनिमे से, या जो पोकेमॉन वर्ल्ड के जो पोकेमॉन होते हैं, वो अक्सर अपना नाम ही क्यों बोलते हैं? मतलब कि यार 80% जो पोकेमॉन होते हैं वो अपना नाम बोलते हैं, या 75 के लो तो यार 80% पोकेमॉन अपना नाम बोलते हैं, और जो बचे 20% पोकेमॉन है वो अपना नाम नहीं बोलते। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए चार्जार्ड अपना नाम नहीं बोलता, वो कुछ पता नहीं यार कुछ चिल्लाकर बोलता है। और एक और एग्जाम्पल ले लो पिकाचू हमेशा अपना नाम बोलता है, जैसे कि पिकाचू मतलब ऐसा बोलता है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यार क्यों पोकेमॉन अक्सर हमेशा अपना नाम ही क्यों बोलते हैं। मतलब कि आपने तो देखा होगा कि पोकेमॉन जो होते हैं पोकेमॉन दुनिया से, वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमारी असली दुनिया के जानवरों से, यानी कि एनिमल से। तो यार हमारी दुनिया में तो ऐसा कोई भी जानवर नहीं है जो कि यार अपना नाम बोलता है। मुझे पता नहीं भाई कौन बोलता, पर मुझे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं है जो अपना नाम बोलता होगा। तो यार वो लोग ने पोकेमॉन में ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों रखा कि सभी पोकेमॉन अपना नाम बोलेंगे, मतलब 75-80% पोकेमॉन अपना नाम क्यों बोलेंगे? तो यार गाइस, आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर यार लाइक एम रखा है हमने पूरे 3000 लाइक्स का, यानी कि 3K लाइक्स का। तो जाओ सुपर फिंगर का इस्तेमाल करो और उस वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बिना कहीं मत जाना। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे रीजन नंबर 1 के बारे में कि यार क्यों पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि जो पोकेमॉन है वो अपना नाम ही बोले, मतलब 70-80% पोकेमॉन। तो यार आपको तो पता ही होगा कि यार पोकेमॉन बच्चों का एनिमी है, उसे बच्चों के लिए बनाया गया था। नहीं गाइस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार उसे बड़े नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते गाइस बड़े, पर यार ज़्यादातर उसे बच्चे ही देखते हैं, मतलब टीनेजर वाले बच्चे। तो यार बच्चों को तो तुमको पता ही होगा कि भाई बोरिंग चीज़ें देखना पसंद नहीं है, मतलब कि उन्हें थोड़ा तो यार चाहिए ड्रामा एक्शन ये वो, तो यार उन्हें बोरिंग चीज़ें देखना पसंद नहीं। अब एक बार आप खुद सोच कर देखिए, अगर पोकेमॉन एनिमे में कोई भी पोकेमॉन अपना नाम नहीं लेता, और असली ज़िंदगी की तरह जो जानवर होते हैं ना हमारे असली दुनिया में, वो किस तरह बोलता है? वो अपना नाम थोड़ी लेते हैं, वो हमेशा हु कुछ बोलते रहते हैं। हाँ, कुत्ते बिल्ली को छोड़कर सब अपना अलग अलग स्टाइल बोलते हैं, तो यार मज़ा नहीं आता, वो थोड़ा वो लगता वियर्ड लगता गाइस। तो यार पोकेमॉन कंपनी वालों ने सोचा होगा कि यार हम इसमें असली दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं डालेंगे, बल्कि हम हमारा खुद का कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि यार जो पोकेमॉन होंगे वो अपना नाम लेंगे। तो गाइस ये सुनकर थोड़ा यार मज़ा भी आता है, जैसे कि पोकेमॉन अपना नाम लेता है तो इससे हमें अच्छा भी लगता है। जैसे कि अगर पिकाचू बोलता है तो यार बहुत अच्छा लगता है सुनने में, और अगर चूहे की तरह बोलता है तो यार मज़ा नहीं आता भाई सुनने में। तो यार इसीलिए पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बनाया कि पोकेमॉन अपना नाम बोल सके। तो ये था गाइस हमारा रीजन नंबर 1। सो गाइस, अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 के बारे में, और रीजन नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको यार पूरा सुनना। तो यार आपको तो पता ही होगा जो हमारे असली दुनिया में जो एनिमल्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनके नाम हम किस तरह याद करते हैं। सिंपल आंसर गाइस, स्कूल में याद करते हैं, जब हम छोटे थे, जब हम यार नर्सरी सीनियर जूनियर में थे, तो यार हमें वो नाम रटवाए गए थे, मतलब यार बुक में वो जानवरों का नाम लिखा होता था, जैसे कि एलिफेंट टाइगर पेंथर ये वो सब जानवरों के नाम लिखे होते थे बुक में, और हमें वो रटना पड़ता था, और उनकी फ़ोटो के साथ उनके नाम लिखे होते थे। सो गाइस उसे रटकर तो यार हमें उन जानवरों का नाम याद हो जाता था। तो यार पोकेमॉन में यार हम पोकेमॉन के नाम किस तरह याद कर सकते थे? पोकेमॉन का तो यार स्कूल होता नहीं है असली दुनिया में, तो यार उनका नाम याद करना बहुत ही मुश्किल होता अगर पोकेमॉन अपना नाम नहीं लेते। अगर आप समझ लीजिए, अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, चारमेंडर अपना नाम नहीं लेता, चारमेंडर अक्सर बोलता है ना गाइस चारमेंडर, अगर वो अपना नाम नहीं लेता और ऐश उससे पोकेबॉल से बाहर निकाला चारमेंडर ये इस्तेमाल करो, तो उसने सिर्फ एक बार बोला चारमेंडर, तो यार हमें उससे थोड़ी याद रहेगा कि उसका नाम क्या है। अभी चारमेंडर अपना नाम बार बार लेता है, तो इससे यार हमें वो बार बार दिमाग में वो उसका नाम आता रहता है, और हमें वो नाम रट जाता है, ऑटोमेटिकली हमें वो नाम रट जाता है, तो इससे हम उस पोकेमॉन का नाम याद कर सकते हैं। तो गाइस इसीलिए पोकेमॉन कंपनी वालों ने ऐसा कॉन्सेप्ट निकाला होगा कि पोकेमॉन अपना नाम लेंगे, तो इसीलिए सभी जो बच्चे जो ऑडियंस उसे देखेगी उसे उनका नाम याद हो सके। समझ रहे हो ना गाइस मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यार ये रीज़न मुझे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और ये रीज़न मैंने खुद बनाया था गाइस। तो यार लाइक तो बनता है भाई, इसीलिए यार खुद बनाया था भाई।